हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम टेम्परेचर कन्वर्टर बनाएंगे जिसका आउटपुट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप अपना पाचाम ओपन कर लीजिए फिर पाएचाम ओपन होने के बाद राइट साइड में न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर दीजिए आप अपने प्रोजेक्ट का नेम कुछ भी रख सकते हैं मैंने अपने प्रोजेक्ट का नेम टेम्परेचर कन्वर्टर एंटर कर दिया है फिर प्रीवियस कन्फिगर्ड एंटरप्रेटर पर चूज करके पैथन इंटरप्रेटर को सेलेक्ट कर लीजिए मेरे केस में पैथन थ्री पॉइंट इलेवन है फिर स्क्रिप्ट को अनचेक कर दीजिए और फिर फाइनली क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए लगभग एक से दो मिनट में आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा फिर अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके न्यू के टैब में पैथन फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए इस पैथन फाइल का नेम आप टेम्परेचर कन्वर्टर रख दीजिए तो अब हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम अपना मेन प्रोग्राम लिखेंगे फिर फंक्शंस को क्रिएट करेंगे तो मैंने पहले प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा स्लैश एन डैश टेम्परेचर कन्वर्टर डैश स्लैश एन से हमारी स्ट्रिंग नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होती है फिर हमें ऑप्शन शो करने हैं तो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा स्लैश एन ऑप्शंस स्लैश एन फर्स्ट सेल्सियस टू फेरन हाइट स्लैश एन सेकेंड सेल्सियस टू कैलवेन स्लैश एन थर्ड फेरन हाइट टू सेल्सियस स्लैश एन फोर्थ फेरन हाइट टू कैलवेलवेल्सियस स्लैश एन सिक्स कैलवे टू फेरन हाइट स्लैश एन फिर मैंने एक वेरिएबल लिखा आंसर शॉर्ट में ए एन एस और उसको स्ट्रिंग वैल्यू दी वाई फिर मैंने वाइल्ड कंडीशन में लिखा ए एन एस इक्वल टू डबल इनवर्टेड कॉलन के बाद एक वेरिएबल लिया सी एच के इसमें हम यूजर से इंटीरियर में चौस लेंगे तो मैंने लिखा सी एच के इक्वल्स टू एंट ब्रैकेट इनपुट ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमास में एंटर योर चॉइस ब्रैकेट क्लोज अब हम इफ एल इफ एल्स कंडीशन का यूज करेंगे तो मैंने लिखा इफ सी एच के इक्वल इक्वल टू वन कॉलन के बाद एक और वेरिएबल लिया वेल well. इसमें हम यूजर से कन्वर्ट करने के लिए वैल्यू लेंगे तो मैंने लिखा वेल इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट डबल इन्वर्टेड कॉमास में एंटर वैल्यू टू कन्वर्ट फिर हम एलिफ कंडीशन लिखेंगे तो मैंने लिखा एलिफ सी एच के इक्वल इक्वल टू टू कॉलन के बाद हम वेल well वेरिएबल को ही कॉपी कर देंगे ऐसे ही हम सिक्स ऑप्शंस तक एलिफ कंडीशन को यूज करेंगे तो मैंने एलिफ कंडीशन को कॉपी किया और कंट्रोल प्लस डी की कॉम्बिनेशन को चार बार प्रेस किया तो देखिए हमारे एलिफ कंडीशन हो गए हैं तो मैंने एलिफ कंडीशन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया फिर एल्स कंडीशन में लिखा एल्स कॉलन प्रिंट स्टेटमेंट में रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्टेड फिर एल्स के बाहर आके लिखा ए एन एस इक्वल टू इनपुट ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू वाई स्लेशन फिर वाइल के एंडेशन में लिखा प्रिंट ओके तो दोस्तों हमारा मेन प्रोग्राम बन गया है अब हमें फंक्शंस लिखने हैं तो फंक्शंस को हम हमेशा मेन प्रोग्राम के ऊपर लिखते हैं तो सबसे टॉप पर एंटर प्रेस करके हम फंक्शंस लिखेंगे तो हमारा पहला फंक्शन होगा सेल्सियस को फेरनहाइट में कन्वर्ट करना तो मैंने लिखा डेफ सी टू एफ मतलब सेल्सियस टू फेरनहाइट तो ये हमारा फंक्शन का नेम है फिर राउंड ब्रैकेट्स में पैरामीटर्स में लिखा एक्स कॉलन के बाद हमें अपना फॉर्मूला लिखना है जो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेगा तो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा एक्स इनटू राउंड ब्रैकेट्स में नाइन डिवाइड फाइव प्लस थर्टी टू कॉमा राउंड ब्रैकेट्स में फेरन तो ये हमारा सेल्सियस को फेरन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है अब ऐसे ही हमें सारे कन्वर्जेंस के लिए फंक्शंस बनाने हैं और फॉर्मूलाज लिखने हैं तो मैंने पहले फंक्शन को कॉपी किया और कंट्रोल प्लस डी की कॉम्बिनेशन को पांच बार प्रेस किया तो अब हमें कन्वर्जेंस के अकॉर्डिंग फंक्शंस के नेम को चेंज करना है तो हमारा पहला फंक्शन है सी टू एफ हमारा सेकेंड फंक्शन होगा सी टू के मतलब सेल्सियस टू कैलविन थर्ड फंक्शन होगा एफ टू सी मतलब फेरन टू सेल्सियस फोर्थ फंक्शन होगा एफ टू के मतलब फ़ारेनहाइट टू केलविन फिफ्थ फंक्शन होगा के टू सी मतलब कैलविन टू सेल्सियस और सिक्स फंक्शन होगा के टू एफ मतलब कैल्विन टू फ़ारेनहाइट। अब हमें इन फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला लिखने हैं तो हमने सी टू एफ का फॉर्मूला लिख दिया था अब हमें सी टू के का फॉर्मूला लिखना है तो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा एक्स एक्स प्लस टू सेवन थ्री पॉइंटीन कॉमा डबल इनवर्टेड सी के फॉर्मूले में प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा राउंड ब्रैकेट्स में थर्टी टू इनकेमा डबल इन्वर्टेड कॉमास में सेल्सियस फिर एफ टू सी के फॉर्मूले में प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा राउंड ब्रैकेट्स में फिर से एक और राउंड ब्रैकेट्स में एक्स माइनस थर्टी टू इंटू राउंड ब्रैकेट्स में 5 डिवाइड नाइन फिर सारे राउंड ब्रैकेट्स के बाहर आकर 273.15 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमास में कैलविन फिर K2C के फॉर्मूले में प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा x माइनस टू कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमास में सेल्सियस फिर कैलविन टू फ़ारेनहाइट के फॉर्मूले में प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा डबल राउंड ब्रैकेट्स में फिर से एक और राउंड ब्रैकेट्स में एक्स माइनस टू सेवेंटी आकर प्लस थर्टी टू कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमास में फेरहाइट अब हमारे सारे फंक्शन बन गए हैं अब हमें अपने इन फंक्शंस को कॉल करना है तो हम इन फंक्शंस को अपने मेन प्रोग्राम में कॉल करेंगे तो पहले इफ कंडीशन में वेल well वेरिएबल के बाद वेरिएफ फंक्शन को कॉल किया और वेल well वेरिएबल को पास किया तो जो यूजर वेल वेरिएबल में वैल्यू एंटर करेगा वो वैल्यू सी टू एफ फंक्शन में जाएगी और हमारी वैल्यू सेल्सियस से फेरहाइट में कन्वर्ट होकर प्रिंट हो जाएगी फिर एलिफ में वेल well वेरिएबल के बाद सी टू के को कॉल किया और वेल well वेरिएबल को पास किया फिर नेक्स्ट एलिफ में एफ टू सी को कॉल किया और वेल को पास किया फिर नेक्स्ट एलिफ में एफ टू के को कॉल किया और वेल वेरिएबल को पास किया फिर से नेक्स्ट टू सी को कॉल किया और वेल वेरिएबल को पास किया फिर से एलिफ में के टू एफ को कॉल किया और वेल वेरिएबल को पास किया तो दोस्तों अब हमारा प्रोग्राम फाइनली बन गया है आप एक टेम्परेचर की वैल्यू को दूसरे टेम्परेचर की वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं तो मैंने अपने प्रोग्राम को रन किया आप प्रोग्राम को रन बटन पर क्लिक करके भी रन कर सकते हैं या शिफ्ट प्लस एफ टेन की कॉम्बिनेशन को प्रेस कर सकते हैं तो देखिए सबसे टॉप पर टेम्परेचर कन्वर्टर लिख कर आ रहा है फिर हमें ऑप्शन शो हो रहे हैं फिर मैंने अपनी चॉइस में वन एंटर किया और वैल्यू में फिफ्टी एंटर किया तो देखिए वन टू टू पॉइंट जीरो फेरन हाइट आ रहा है फिर वाई प्रेस करके फोर ऑप्शन को सिलेक्ट किया और 60 एंटर किया तो देखिए 288.7055 आ रहा है फिर से वाई प्रेस करके एक रॉन्ग ऑप्शन एंटर किया तो देखिए रॉन्ग ऑप्शन सेलेक्टेड आ रहा है फिर मैंने एन को प्रेस कर दिया तो देखिए हमारा प्रोग्राम एंड हो गया है तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये टेम्परेचर कन्वर्टर बनाना आ गया होगा अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम चैनल और कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ